हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में हम आज देखने वाले BCS 013 लैब क्वेश्चंस, जो हमारे प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है। एंड बहुत सारे आरसीज के शेड्यूल्स भी जारी कर दिए गए हैं, बट अभी आरसी पटना वगैरह का भी राजी नहीं हुआ है, बट स्टिल आ जाएंगे उसके भी, क्योंकि आरसी पटना का भी वो जो है 6 सेमेस्टर का शेड्यूल आ चुका है, तो बाकी के भी आ जाएंगे। आप जैसे कि आप सबको पता है कि BCS 13 फर्स्ट सेमेस्टर का ये लैब कोर्स है प्रैक्टिकल, और जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं वो न्यू होंगे और उनको कुछ पता नहीं होगा कि हाउ टू कंडक्ट ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड। सो ऑनलाइन मोड में मैं आपको बता दूं कि आपको कोई कुछ लिंक्स दिए जाएंगे, उस लिंक को कनेक्ट करके जैसे आप क्लासेस करते हैं उसी तरीके से आपको लिंक्स दिए जाएंगे, उस पर क्लिक करके आपको ज्वाइन करना है। एंड अपने जो भी आपके टर्म्स आएंगे उसके बाद आपको एनरोलमेंट नंबर, आरसीज के नेम्स, आईडी कार्ड्स आपको फ्रंट ऑफ कैमरा ऑन करके आपको शो करना है। देन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, एंड आप कैमरा ऑन करके सारे क्वेश्चंस को इजी वे में आप आंसर्स करें, क्योंकि आपके कैमरा ऑन होंगे और आप सोचोगे भी कि यार चीट कर लूँगा, गूगल ऑन कर लूँगा, तो नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज फ्रंट ऑफ कैमरा ओपन रहेगा और आपको ऑफ करने के बाद, आप अगर जैसे ही आप ऑफ करते हैं कैमरा, आपको एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप निकाले जाओगे, ठीक है। तो आप ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना, जो भी हो अपने मन से आंसर्स देना। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इस BCS 013 में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके शॉर्टकट्स की। शॉर्टकट्स की में आपको क्या क्वेश्चन दिया जाता है कि आपसे कुछ शॉर्टकट्स की पूछे जाएंगे, जैसे कि ऑल सिलेक्शन का आपसे पूछा जाएगा कि शॉर्टकट की क्या है, या आपसे पूछा जाएगा कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई आपसे पूछा जाएगा कंट्रोल जे का यूज़ क्या होता है, क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइपरलिंक का शॉर्टकट्स की क्या है, तो आप कंट्रोल के कहोगे। तो इस तरीके से शॉर्टकट की से चार या पांच क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेरे टाइम पे भी यही क्वेश्चंस थे। उसके बाद मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कि हाउ मेनी चैप्टर्स इन योर लैब बुक्स, और उनके नाम बताओ, कितने यूनिट्स थे आपके लैब बुक में, वो आपको बताने होते हैं। हमारे जो BCS 013 है उनके लैब कोर्स में जो यूनिट है, 6 यूनिट है आपके, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, ईमेल, ब्राउजिंग, ठीक है। तो ये जो है, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके क्या यूज़ है, तो आपको बताना है। वर्डप्रेस क्या है, स्प्रेडशीट का यूज़ क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, स्प्रेडशीट में एक्सेल्स वगैरह आता है, सो आपको वो देखना होगा। ईमेल में थोड़ा डिस्प्ले एक्सप्लेनेशन यही कर देती हूँ, बिकॉज बाकी सबकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने दे रखे हैं, बट इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है ईमेल क्या है, वो पूछेगा आपसे। एंड इनके फंक्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि फंक्शन क्या है, तो आप फंक्शन में आप ये कर सकते हो, आउटबॉक्स है इसका फंक्शन, इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट, डैशबिन, सेव, स्पैम, इंपॉर्टेंस, ब्लॉग, स्टार, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ईमेल्स के फंक्शंस हैं। इनसे आपको आपसे अगर एक एक लाइन आप इंक्लूड कर देते हो ना, आउटबॉक्स इज अ पार्ट ऑफ ईमेल, इट इज़ यूज टू स्टोर सेंड, मतलब जो भी मैसेज हम वहाँ से सेंड करते हैं ना, तो वो चीज़ उसमें सेव्ड होता है। इनबॉक्स जो होता है कि जो मैसेज हमें मिलते हैं उनको वो कहते हैं, ठीक है। ब्राउजिंग आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ब्राउजिंग क्या था, आपको कोई एक दो ब्राउजिंग का बता देना है, जैसे कि गूगल एक ब्राउजिंग ऐप ब्राउजिंग है ना, विकिपीडिया एक है, फायरफॉक्स है, सो और माइक्रोसॉफ्ट एजेस, यूवी ब्राउजर्स, ये सब चीज़ें जो है वो ब्राउजर्स के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। सो थॉट क्वेश्चन पे आपसे बेसिक हमेशा ये कमांड्स पूछे जाते हैं, ठीक है। आपसे बेसिकली 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको डायरेक्टली आपको बताना है, और जहाँ आपके आंसर से ज़्यादा आपके इंट्रैक्शन और फेस एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो आपके आंसर्स ऐसे होने चाहिए जो सेटिस्फाइड करें, एंड एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए जो आपको जो हमारे टीचर जो एवेल्युएटर होंगे उनको ऐसा फील हो कि या यू आर जो भी मतलब जो भी तुम आंसर्स कर रहे हो यू आर अपने दम पर दे रहे हो, ठीक है। तो आपसे लिनक्स कमांड्स में से किसी भी 5 कमांड को कहता है कि 5 कमांड को एक्सप्लेन करो, तो आप कह सकते हो कि मैन इज़ अ कमांड ऑफ लूजन, लिनक्स कमांड विच इज़ यूज टू डिस्प्ले डिटेल्स अबाउट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एस क्या है, आई एस
IaaS is also command of Linux, and it is used to list content and of the current directory. ठीक है, ये सब चीज़ें जैसे पांच आपसे क्वेश्चन पांच इसमें से पूछेगा कि क्या यूज है, तो आपको वो कनेक्ट करके बताना है. आपसे पूछेगा कि व्हाट इज कर्नल. ये बेसिकली कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो आपसे पूछे तो करना, आप एक कर्नल इज द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. कर्नल एक सेंट्रल ऑपरेटर सेंट्रल कंपोनेंट है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है. दैट इज एक्ट टू इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन. ये जो कर्नल होता है ना, वो यूज़र और उसके जो एप्स होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, उनके बीच अट्रैक्ट करता है, इंटरफेस करता है विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर. ओके, सो जो भी यूज़र एप्लीकेशन होता है ना, वो हेल्प हार्डवेयर के थ्रू इसमें इंटरफेस करता है एप्लीकेशंस को. ठीक है, एंड द इसके एम ऑफ द कर्नल इज मैनेज टू कम्युनिकेशन बिटवीन द सॉफ्टवेयर. यूज़र लेवल एप्लीकेशन होता है या हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में हो जाता है यूज़र लेवल एप्लीकेशन, हार्डवेयर में CPU डिस्क मतलब जो भी आपके देखिए जैसे आपकी कीबोर्ड हो गया वो हार्डवेयर हो गया, राइट. एंड उसके अंदर जो हम लोगों ने कोई चीज़ टाइप किया, राइट, मैंने टाइप कर दिया कुछ भी ABCD. ठीक है, तो ये जो इंटर जो नीचे स्क्रीन पर लाइनिंग हुआ, जो टेक्स्ट हुआ, वो एक यूज़र एप्लीकेशन के थ्रू हुआ, जो कि वर्डपैड है. ठीक है, सो इसी तरीके से आपसे शेल से पूछेगा कि शेल क्या है. तो आपसे आप शेल के बारे में बताना होगा कि आपको क्या है. तो शेल इज अ प्रोग्राम दैट इज टेक कमांड टाइप्स बाय द यूज़र एंड कॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन दोज कमांड. एक कमांड जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी कमांड्स होते हैं उसको रन करने में हेल्प करता है. ठीक है, बेसिकली आपसे वन वर्ड्स के क्वेश्चंस होते हैं. सो एक दो लाइन में आपको आंसर देके आंसर्स को कंप्लीट कर देना. ठीक है, उसके बाद पूछेगा कि आउटलुक क्या है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. सो आउटलुक इज अ बेसिकली पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विच इज़ यूजिंग टू एप्लीकेशन मैसेजिंग एप्लीकेशन मोस्टली फॉर ईमेल्स एंड असाइन टास्क एंड पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी हायर करता है. इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर है, इंटरनेट की सुविधा विदाउट इंटरनेट के ये वर्क नहीं कर पाता आई थिंक सो. एंड एक टास्क मैनेजर भी है. ठीक है, उसके बाद से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछ सकता है कि व्हाट इज़ अ हाइपरलिंक. हाइपरलिंक व्हाट इज हाइपरलिंक. हाइपरलिंक इज अ टेक्स यूजर टू सर्च इंजन्स, राइट. हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है ना, जैसे कि आप किसी भी चीज़ में आप लिंक को लिंक डालना चाहते हैं. ठीक है, वो चीज़ को जो जैसे कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा एंड उस टेक्स्ट में आप किसी चीज़ का यूट्यूब का लिंक डालना चाहते हो लाइव टाइप करके यूट्यूब लिंक, तो एक वेबसाइट के थ्रू ये कंटेंट क्रिएट होता है. एंड ये थोड़ा सा HTML टाइप्स हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी सोर्स इंजन है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो हो सकता है गूगल खुल जाए, कोई भी सर्च इंजन खुल सकता है, राइट. तो उस तरीके का जो पार्ट होता है वो चीज़ को हाइपरलिंक कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है कि स्प्रेच. आपसे पूछेगा कि एक्सेल में कितने रॉ और कॉलम्स हो सकते हैं, राइट. एक्सेल क्या है, तो एक्सेल इज एक टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट, राइट. एंड इसके कितने रोज हो सकते हैं मैक्सिमम लिमिट में और कितने कॉलम्स, तो आप यहाँ देख सकते हो इतने रॉ हो सकते हैं, इतने कॉलम्स. एंड कॉलम्स वाइड कितना हो सकता है, 2255 कैरेक्टर्स के वो हायर कर सकता है. एंड रॉ हाइट होता है 409. पेजेस ब्रेक्स हो सकते हैं, बेसिकली आप कितने मतलब एक पेज का जो भी होता है मतलब सॉरी प्रेस ब्रेक मतलब हो गया ना कि कितने पेजेस होते हैं, तो आप 1026 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टेक्स पेजेस को कर सकते हैं. उसके बाद आपसे पूछता है कि बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज इन एक्सेल. एक्सेल का जो भी बेसिक फार्मूलाज होता है उसको क्या क्या फार्मूलाज होता है, तो राइट सम होता है, एवरेज होता है, काउंट होता है ना, मीन होता है, नाउ होता है, लोअर होता है, अपर होता है, ये सब चीज़ें जितनी भी होती हैं ना, वो सबसे सारी चीज़ें जितने भी मैथमेटिकल्स इंडक्शंस आपके होते हैं ना, मैथमेटिकल्स जो भी रॉज होते हैं उसको आप फार्मूलाज एक्सेल्स कह सकते हैं, जैसे कि सम, सब्ट्रैक्ट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, अपर, लोअर, प्रॉपर, सब चीज़ें जो हैं वो आपके
तो यही थे आपके बेसिक फॉर्मूला, मैक्सिमम मिनिमम रॉ इंटर लॉ अपर लोअर प्रॉपर रैन, ठीक है, ये काउंट, ये सब सारी चीज़ें जो है आपके एक्सेल फॉर्मूलाज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द यूज़ ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्ट कंप्यूटर ऑपरेशन, कंट्रोलिंग, शेड्यूलिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड अदर प्रोग्राम्स एंड मैनेजिंग स्टोरिंग स्टोरेज इनपुट आउटपुट कम्युनिकेशन रिसोर्स एंड यू नो ये सारी चीज़ें को ये डायरेक्ट करते हैं। यू नो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है बेसिकली? तो ये क्या है कि आप डायरेक्ट, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेशन से, कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एप्लीकेशंस को, राइट, शेड्यूलिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मैनेजिंग है, मैनेजिंग स्टोरेज है, मैनेजिंग स्टोरिंग है, इनपुट आउटपुट है, कम्युनिकेशन भी कर सकता है रिसोर्सेज के साथ, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से पार्ट जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो आप एक विंडोज को देखते हो, राइट, उसको ओपन करते टाइम। तो एक विंडोज हो गया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स हो गया, वाइन रिवर हो गया, एंड्रॉयड हो गया। एंड्रॉयड आपके बेसिकली फोन्स में सारे यूज होते हैं, है ना। ये विंडोज एक्सपी हो गया, विंडोज 7 हो गया, मैक हो गया, एंड और iOS हो गया, एप्पल हो गया, एप्पल यहाँ नहीं दिया है बट एप्पल भी इंक्लूडेड है, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी जो बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस एक टास्क के रूप में आपको एक क्वेश्चंस प्रोवाइड करती हूँ जो आप अपने एग्जाम से पहले ये करने के बाद उसको एक बार कर लेना, तो आपके जो भी डर होंगे वो सारे निकल जाए। हाँ, एक और बात क्या आप पूछते हो कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि जो भी हमारा वाइवा होगा वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो राइट, आपके बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपके डिफिनेशन तो आप हिंदी में दोगे नहीं क्योंकि आपका कोर्स आपका हिंदी में है नहीं, तो आप इंग्लिश में आंसर्स दोगे, राइट। तो यही था इस वीडियो में, हम देखते 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 हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं आपके। हाँ, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस आपके डेप पे, लिनक्स कमांड को कुछ एग्जीक्यूट करना, उसके बाद कंपनीज जैसे क्रिएट करना है, राइट। एक्सपेंडिचर पे ये आपको करना है कि यू हैव टू मंथली बिकम एज 15,000 एंड योर एक्सपेंडिचर आर लाइक आपके 2,000 फूड है, 5,000 मोबाइल्स फोन्स बिल्स हैं, फिर उसके बाद टीवी बिल्स है आपके 300 से, इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000 है। तो आपके मतलब ये सारी चीज़ को स्प्रेडशीट पे 30 मंथ्स के एज्यूमिंग आपको मंथली बनाना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो ना तो आपको इजी हो जाता है थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने में भी, और अपने टीचर्स को भी एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाता है। नेक्स्ट, आपको किस वीडियो किस प्रैक्टिकल लैब के आपको वीडियोस चाहिए? आई नो कि आप लोग को थर्ड और सेकेंड और थर्ड के भी मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्जेक्ट के नेम आप कमेंट करके सेंड करो मुझे, ओके, आई मीन कमेंट करो। सो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, आई होप योर एग्जाम इज़ बेटर एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।